हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और हम आज लेक्चर लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार, हिंदी मीडियम का है, देखो नीचे लिखा है हिंदी मीडियम, थोड़ी सी इंग्लिश लिख दी है मैंने। तो इस चैप्टर को पढ़ने का टॉपिक है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जो आती है वो कैसे आती है, क्यों करंट बनता है, मतलब क्या उसके उस वायर के अंदर कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो हम इस चैप्टर के अंदर थोड़ी उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मतलब उसके अंदर होता क्या है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी बेहतरीन वीडियो लाने के लिए। हाँ, अगर थोड़ी मोड़ी मैं उतना बढ़िया से नहीं बता पाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन जितना मैं बताऊंगा उतना पूरी अच्छे से मतलब बताऊंगा। तो क्योंकि मैं एक प्रेजेंटेशन से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं टाइप मतलब उठी नहीं कर सकता उतना बढ़िया। तो मैं प्रेजेंटेशन ये काफी एक मतलब ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मतलब फिजिक्स की ये वह चैप्टर है, वह चैप्टर मान सकते हैं कि मतलब ये चैप्टर बहुत खतरनाक है कि हमारे हम इसमें अध्ययन करते हैं कि आवेश मतलब करंट के बारे में, आवेश के उस पर फोर्स, कूलाम के नियम, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, ये सब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। और काफी अच्छी चैप्टर है ये। तो हम पहले हम बता देते हैं कि हम कौन कौन सी हेडिंग पढ़ेंगे, मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय मतलब उसके बारे में, और बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसकी ये हेडिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और उनके प्रकार मतलब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, अगर बात करेंगे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या होता है और उनके प्रकार, और आवेश का उत्पत्ति, आवेश की उत्पत्ति, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, चार्ज के चार्ज करने के तरीके, विद्युत आवेश के मूल गुण, और भी कूलाम के नियम और कूलाम के सदिश, और भी हम बहुत मतलब पूरी हेडिंग यहाँ पर मैंने दे दी है कि कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करेंगे, मतलब पूरी की पूरी टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। और भी और यहाँ बिजली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिजली लिख दिया हूँ, विद्युतीय क्षेत्र का थोड़ी सी हिंदी में मतलब टाइपिंग उतना टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऐप के द्वारा ही इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इसीलिए बढ़िया नहीं हो पाया है मतलब गलत हो गया है, लेकिन मैंने तब वो अच्छा है। विद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वहां लिखा ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर ये मतलब मैंने दोनों में लेक्चर लिया हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको जैसा लगे वैसे पढ़ सकते हैं। तो मतलब हिंदी थोड़ी थोड़ी मैं इंग्लिश बताता रहूंगा कि इंग्लिश को आपको अगर आप जैसे ही 12 पास कर लेते हैं तो आपको मतलब बीटेक, बीए जो भी नाम लिखवाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश में ही लेक्चर लिया जाएगा, तो आपको काफी दिक्कत सहनी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बता दूंगा मैं, जैसे परिचय मतलब, परिचय मतलब विद्युतीय ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हम आवेश, इलेक्ट्रॉन को ही हम आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को ही। जैसे यहाँ लिखा ना विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जिसे जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सम्मिलित होता है, मतलब विद्युत जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें मैंने कहा ना आवेश प्रवाह होते हैं, मतलब आवेश इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने पे, अभी मैं फार्मूला बताऊंगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रॉन है मतलब। इंट्रोडक्शन में उतना नहीं है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन
ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन प्लस आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। लेकिन अगर अभी हम पूरी जानकारी वीडियो में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में उतना है कुछ है नहीं, मतलब ये सब तो आप जानते होंगे कि न्यूक्लियस में मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों मतलब ऋण आवेश धन आवेश दोनों इक्वल हो जाते रहते हैं। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चल जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चल जाए मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो वहाँ ऋण आवेश चार्ज हो जाता है। तो वही है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप मतलब आवेश आप गर्मियों के मौसम में अगर आप कंबल ओढ़ते हैं मतलब बहुत बड़ी कंबल, तो उसमें रगड़ने से जो चिड़चिड़ होता है वहाँ आवेश जनरेट होने के कारण, आवेश मोमेंटम होने के कारण, मूव होने के कारण वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट होता है। लेकिन वो बहुत काफी कम होता है, उससे आपको झटका नहीं लग सकता है। जैसे कि आप बचपन में जो पेंसिल या बाल में रगड़ कर जो पेपर उठाते थे वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जनरेट होने के कारण अट्रैक्शन होता था, मतलब आकर्षण होता था। तो वही सब इंट्रोडक्शन में है परिचय। और भी बहुत सारे मतलब है आवेश, आवेश के बारे में आकर्षण अभी हम आगे देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब आवेश, अगर आवेश मूव करता है तो करंट बहुत बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ा सा मूव करवा दें तो वहां पर एक शॉर्ट करंट बन जाता है। जैसे कि हमारे घर में होता है, जिस दिशा में वायर में मतलब वायर के जिस दिशा में वायर दोनों में अगर जो भी कंडक्ट करेगा मतलब आवेश तो हर जगह होते हैं। जैसे कि अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में, पहले हम जैसे वायर की बात करते हैं। वायर के अंदर क्या होता है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है उसके विपरीत दिशा में करंट बनता है। और अब पूछेंगे कि वायर में क्यों आवेश मूव करता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करता है। तो वीडियो में अभी बाद में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हम जैसे विद्युतीय इलेक्ट्रिसिटी, इसकी मतलब ये देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, गति से जुड़ा भौतिक घटनाओं का समूह है। मतलब आवेश का जो गति है इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युतीय पदार्थ की उपस्थिति और गति से जुड़ी भौतिकी घटनाओं का समूह है। मतलब जब जब इलेक्ट्रावेश मूव करेगा तब तब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी। जैसे और ये चुंबक यहाँ लिखा ना है, विद्युत चुंबक चुंबकत्व से भी संबंधित है। मतलब अगर आप जिस दिशा में अगर करंट बनता है मतलब आवेश मूव करता है तो उसकी मतलब उसके वृत्ताकार में मतलब एक आवेश मान लीजिए करंट, मतलब जो घर में आपके वायर में जब आवेश मूव करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कि चुंबक के चारों ओर बनता है, नॉर्थ से साउथ की ओर निकलता है। वैसे ही वायर जब आवेश मूव करता है तो उसके सराउंडिंग मतलब गोलाकार में वहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक क्लोज लूप में मतलब एक बंद मतलब एक सर्कल टाइप में ऐसे बनता है जब तक उसकी मोशन, अगर वो एक्सेलरेट करता रहेगा आगे पीछे तो वह आवेश करंट भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और रेडिएशन भी छोड़ेगा, तीनों चीज करता है वो। अगर ये और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप यूनिट चौथे में पढ़ेंगे, यूनिट चौथे के चैप्टर वन में पढ़ेंगे, तो अभी उसकी बारे में बात नहीं करेंगे, वो आप पढ़ेंगे जरूर। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब आवेश तथा और उनके प्रकार, अगर हम आवेश और उनके प्रकार देखें जाए तो यहाँ लिखा है प्रोटॉन एक धन आवेशित होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन पर चार्ज शून्य होता है। लेकिन
विद्युत, हम विद्युत आवेश दो सामान्य प्रकार के होते हैं, यहाँ धनावेश ऋण आवेश, ये दोनों की बात ज्यादा होती है, न्यूट्रल की बात कम होती है, लेकिन होती है। मतलब के प्रकार, एक चित्र देख लिया पहले, देखिए न्यूट्रल मतलब जीरो, केटायन धनायन, केटायन इनायन, मतलब आवेश तीन प्रकार, दो प्रकार के होते हैं दो। न्यूट्रल तो ऐसे ही, मतलब जब नंबर ऑफ पॉजिटिव मतलब धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है तो हम न्यूट्रल एटम कहते हैं, मतलब वहां पर कोई चार्ज नहीं है, इसकी बात न्यूट्रल। मतलब न्यूट्रल हम चार्ज में नहीं गिन पाएंगे क्योंकि वहां पर धनावेश और ऋण आवेश इक्वल होते हैं, इसलिए न्यूट्रल हम नहीं गिनते हैं। अगर हम उनकी उत्पत्ति की बात करें, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मतलब आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, अगर हम देखें कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मतलब अभी हम न्यूट्रल की बात किए हैं तो हर एटम लगभग न्यूट्रल होता है। मतलब आप कोई रॉड ले लेते हैं, रॉड रॉड मतलब समझते हैं छड़, अगर आप कोई छड़ लेते हैं तो वह छड़ एक सिल्क मतलब कोई कपड़ा, सूती कपड़ा ले लें, वहां पर रगड़ेंगे तो उसमें से जो भी मतलब जिसका भी एटम से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, मतलब मान लीजिए अभी थोड़े देर समय के लिए कि जो आयरन जो लोहा की छड़ है उसके जो बाहरी एटम जो न्यूक्लियस होता है ना, मतलब कोई भी जो वस्तु बना होता है वो न्यूक्लियस से बना होता है, मतलब एक एक छोटे छोटे एटम से बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। तो मान लीजिए एटम्स के बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मान लीजिए छड़ में आकर, छड़ के इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षक के होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, और जो कपड़ा से आप रगड़ रहे हैं उसमें से बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आप रगड़ते हैं तो छड़ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल कर उस कपड़े पर चले जाते हैं, तब छड़ के जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, तो वहां पर पॉजिटिव आयन्स पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन छड़ से कपड़े में चल जाता है, इसलिए कपड़ा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वहां पर धन ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश, और जो छड़ होता है वहां पर धन आवेश हो जाता है, कहाँ कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर कपड़े पे चले गए तो वहां इसलिए छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ऐसे ही देखा जाएंगे, अभी हम अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर एक टेबल लिखा होता है कि कौन सी मतलब एलिमेंट्स के जल्दी छोड़ देते हैं, मतलब एक टेबल लिखा होता है, उस टेबल को आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि वहां पर लिखा किस पर, किससे रगड़ने पर किस पे पॉजिटिव आयन जनरेट होंगे, किसके निगेटिव आयन जनरेट होंगे। तो ऐसे ही आवेश जनरेट होते हैं। चलिए मान लीजिए एक उदाहरण और दे देते हैं, मान लीजिए आपका कोई प्लास्टिक रॉड है, प्लास्टिक रॉड है कोई मतलब पाइप, जो अगर आप पाइप को कोई कपड़े से रगड़ते हैं तो मान लीजिए कपड़े के इलेक्ट्रॉन मतलब कपड़े के जो एटम्स में एटम से इलेक्ट्रॉन निकल कर पाइप पे चले जाते हैं, तो पाइप पहले न्यूट्रल था, अब उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाने में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है पाइप पर, और कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कर पाइप पर गए हैं तो कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने से वहां पर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं धन आवेश, तो न्यूक्लिय कभी भी प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं, मतलब प्रोटॉन
प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते हैं, क्योंकि जो एटम होते हैं, मान लीजिए एटम के अंदर जब तक दोनों की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तब तक वो न्यूट्रल रहते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, तब जो इलेक्ट्रॉन की एक मतलब बराबर है, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वहां पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने, एक ज्यादा होने के कारण वहां पर एक पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाता है। तो ऐसी होती है, अगर आप मतलब चार्ज करने की तरीके, मतलब आवेश उत्पन्न करने की, उसी को हम कहते हैं चार्ज करने की तरीके। तो पहला मान लीजिए घर्षण, मतलब फ्रिक्शन, घर्षण को फ्रिक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो घर्षण के द्वारा भी होता है चार्ज, और चालन, चालन के द्वारा भी, चालन कंडक्शन जिसको बोलते हैं, उसके भी द्वारा हम चार्ज कर सकते हैं, मतलब किसी बॉडी, मतलब कोई रॉड, पाइप या कपड़ा कर सकते हैं। और प्रेरक द्वारा, इंडक्टर, इंडक्टर भी द्वारा, इंडक्शन द्वारा भी हम चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करने का यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि चार्ज करने का तरीका, इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करना या खोना, उसी को हम चार्ज कहते हैं। मतलब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अगर मैंने पढ़ा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो मैं बड़ी नहीं करना चाहता। और अगर हम पहला मतलब हम फ्रिक्शन चार्ज, मतलब उसी को अभी मैंने पीछे बताया ना कि चार्ज की उत्पत्ति, मतलब चार्ज को कैसे जनरेट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी चुक आयरन, लोहे और कपड़े की उदाहरण दिया है, तो उसमें आयन जो जनरेट हो रहे थे उसी को चार्ज कहते हैं, कि कैसे इस पर धन आवेश उत्पन्न हो गया, कैसे उसी ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, उसी को हम चार्ज करने की तरीके में बोलते हैं, कैसे चार्ज को चार्ज करें। तो हम तीन मेथड हैं, तीनों के देख लिया जाए। पहला घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा इसको पढ़ लीजिएगा, हम इस चित्र से समझा दे रहे हैं। अरे चित्र कहाँ गया, ठीक है, चित्र, ओ चित्र नहीं है लगभग, मतलब चित्र नहीं है, साथ भूल गया। तो चलिए हम समझा दे रहा, घर्षण मतलब रगड़ना, जैसे मैंने बताया एक उदाहरण कि पाइप और कपड़े को रगड़ने से, रगड़ने जब दोनों में रगड़ने से घिसाव होता है, तो उसमें से जिसका इलेक्ट्रॉन, रगड़ने को ही फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जैसे कपड़ा और रॉड को हम जैसे रगड़ते हैं, तो उसमें से जिसका इलेक्ट्रॉन जो निकल कर, मान लीजिए फिर वही एक ही उदाहरण दे दे रहा हूँ, जैसे पाइप और कपड़े को हम रगड़ते हैं, तो मान लीजिए कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कर, रगड़ने से कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कर पाइप पर चले जाते हैं, तब पाइप पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पाइप पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, मतलब ऋण आवेशित उत्पन्न हो जाएगा। मतलब अब पाइप ऋण आवेशित हो गया है और कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल कर आए हैं, तो इसीलिए वहां पर प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई, अधिक हो गई है, तो इसीलिए वहां पर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अगर ऐसे ही घर्षण द्वारा कहते हैं, मतलब घर्षण रगड़ना, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण, अगर मान लीजिए ट्रेन है, कोई ट्रेन पटरी पर चल रही है, तो मतलब वहां पर भी घर्षण हो रहा है। हम चालन द्वारा, चालन द्वारा मतलब कंडक्शन, कंडक्टर, ये कंडक्शन द्वारा कैसे चार्ज उत्पन्न किया जाता है, मतलब कंडक्शन, मतलब ये हिंदी जो मैंने दिया है उसको पढ़ सकते हैं इससे भी, लेकिन मैं चित्र से समझा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए अभी तक हम मैं बता रहा था आवेश कैसे जनरेट किया जाता है। मान लीजिए एक रॉड है जिस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, इसलिए वहां पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कोई रॉड है उस पर नेगेटिव चार्ज है, और कोई बॉडी है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, जैसे
जैसे चित्र में बताया गया है, देखिए पहले वाला बॉडी जो न्यूट्रल है, और मान लीजिए एक रॉड है जिस पे निगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए छड़ है जिस पे, छड़ पर जो ऋणात्मक चार्ज है उस पे -5 कूलाम है, -5 कूलाम मतलब 5, -5 इलेक्ट्रॉन है, कूलाम मतलब है। वहां पर मतलब -5 कूलाम आवेश है, माइनस नहीं 6 मान लीजिए, -6 कूलाम है। तो मतलब -6 कूलाम है, तो कोई न्यूट्रल बॉडी पे जैसे ही आप टच करवाएंगे तो दोनों में इक्वली इक्वल मतलब -3 कूलाम उस बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, -3 कूलाम रॉड पर, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे ऋणावेश में, और वो भी बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाएगी, और रॉड भी थोड़ी सी घटकर मतलब इक्वल मतलब दोनों बराबर भाग ले लेंगे। मतलब अब दोनों पे -3 कूलाम आवेश, -3 कूलाम आवेश चार्ज हो जाएगा, जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है ये चार्ज, मतलब इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये आप तुरंत समझ जाएंगे। अब इंडक्टर, इंडक्टर द्वारा चार्ज कैसे करना है, इंडक्टर द्वारा, इसको भी मैंने दिख लिया। पहला आप चित्र देख रहे हैं, ए बी दोनों न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या बराबर होती है। अगर जैसे ही हम कोई रॉड, पॉजिटिव चार्ज कोई रॉड हम ले जाते हैं, तो देखिए, और जैसे कि चित्र बी में दिखाया गया है कि पॉजिटिव ये रॉड है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर निगेटिव अट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पर किनारे साइड में आ गए हैं, और पॉजिटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट रिपेल होकर यहाँ पर मतलब प्रतिकर्षण होकर यहाँ पर आ चुके हैं, और आकर्षण के कारण निगेटिव चार्ज इधर आ गया है। अब दोनों को अलग कर दिया जा रहा है, चित्र सी में दोनों को अलग कर दिया जा रहा है। अब एक पर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है और एक पर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक पर नेगेटिव, अब दूर हटा दिया जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पूरी में फैल जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह हम इंडक्टर द्वारा भी, इंडक्शन द्वारा भी चार्ज करते हैं। तो हम चार्ज के मेथड में कैसे चार्ज किया जाता है, अब विद्युत आवेश के मूल गुण, विद्युत आवेश के मूल गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इंग्लिश में, मतलब तीनों चार्ज को देखिए, जैसे सेम चार्ज हैं दोनों, दो सेम चार्ज हैं, एक अपोजिट चार्ज है। तो देखिए जैसे सेम चार्ज में प्लस प्लस आयन एक दूसरे को रिपेल मतलब प्रतिकर्षण कर रहे हैं, और सेम चार्ज नेगेटिव नेगेटिव वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब आकर्षण कर रहे हैं। मतलब यही प्रॉपर्टी चुंबक में लागू होती है, नॉर्थ नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, और साउथ साउथ भी प्रतिकर्षण करते हैं, लेकिन नॉर्थ साउथ एक दूसरे को नहीं करते हैं। तो अट्रैक्शन आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश और पॉजिटिव आवेश, एक धन आवेश दूसरे धन आवेश को रिपेल करता है, और एक धन आवेश दूसरे ऋण आवेश को अट्रैक्ट करता है। अभी हम देखेंगे कि अगर कूलाम के नियम, पहले कूलाम के नियम से पहले, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मतलब अगर मान लीजिए किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन गया, तो वहां पर एक फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई ई, वहां पर ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और एन एन नंबर होता है कि कितनी आवेश हैं, मतलब नंबर एन कितने इलेक्ट्रॉन हैं आवेश और उनके इलेक्ट्रॉन।
तो कुल मिलाकर हम देखे जाएं कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6×10^-19 आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अगर ऐसे अगर एक आवेश हो तो निकाल कर बताइएगा कि कितना होता है। लगभग 6.25, 10 पे लगभग 8, 18, 18 होता है। 10 पे 18, माइनस में नहीं प्लस में 18 और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन हो तो एक आवेश होता है। अब हम कुलाम के नियम देख लेते हैं। कुलाम कुलाम लॉ, मतलब अभी हम अट्रैक्शन फोर्स देखे ना, उसी पे कुलाम ने अपना फार्मूला दे दिया कि दोनों पे फोर्स मतलब बल कितने बल से वो ढकेल रहे हैं, मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण कर रहे हैं और आकर्षण कर रहे हैं। तीनों ने कुलाम ने उस पर नियम लिखा। लेकिन हाँ, ये जो सूत्र है मतलब इन्होंने मतलब डिराइव नहीं किया था, मतलब खोज कर नहीं, इन्होंने बस एक्सपेरिमेंट के बल पर निकाला था, इसीलिए इसका डिराइव नहीं है, होता है हाँ बता दिया जाता है उसके बारे में, लेकिन इन्होंने इस पर खोजा। तो हम देखिए, कूलम्ब लॉ F इक्वल टू के Q1 Q2 / R² मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स R² इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² है। मतलब जैसे जैसे आप दूरी को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। अब K कांस्टेंट है जिसकी मान है 9×10^9, इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर अगर मान लीजिए कि यह फोर्स, अभी हम और भी देखेंगे, अगर इसके अगल बगल में अगर एक अगर ये हमेशा एक दूसरे को अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है, जैसे मान लीजिए ये अपनी ओर खींचेगा इसको, ये इसकी जो फोर्स लगेगा इस दिशा में लगेगा, और ये जब इसको खींचेगा तो इसकी दिशा इधर होंगे। एक समय आएगा कि दोनों एक में न्यूट्रल हो जाएंगे। और हाँ, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो प्रतिकर्षण बल लगता, तो दोनों को अपोजिट दिशा में, फिर भी अपोजिट दिशा में बल लगता। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये कुलाम्स लॉ है। अब वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो कुलाम्स के महत्व, कुलाम्स वेक्टर लॉ, अरे पर कुलाम्स के महत्व, कुलाम्स के नियम का महत्व, कुलाम्स के नियम का महत्व अभी हमने बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के, मतलब जैसे जैसे आप दूरी को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे वो बल कम लगता जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब ये मतलब जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ये पहले कुलाम, इनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनका पूरा नाम कुलाम था, लेकिन ये पहले ब्रिटिश शासक के सैनिक थे मतलब, और 60 साल की उम्र में ही इन्होंने रिटायर ले लिया, और रिटायर लेने के बाद इन्होंने घर पे एक्सपेरिमेंट किया और कुलाम्स के नियम का खोज की, इसलिए इनके महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर आप मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो सदिश मतलब दो वेक्टर फॉर्म में उसकी दिशा भी दिखाया जाता है, मतलब वेक्टर फॉर्म में उसकी डायरेक्शन भी जरूरी होती है। जैसे वेक्टर वेक्टर की मतलब दिशा, तो दिशा हमको बताया जाता है। वेक्टर फॉर्म में हमें बताया जाता है। तो जैसे कि अभी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए कुलाम सलाह को डिराइव किया गया है। हाँ, लेकिन मैं मेरे पास प्रेजेंटेशन से बता रहा हूँ तो खाली उतना समय नहीं बता पाऊंगा। जैसे कि R1
R1 R2, ये रुकिए कहाँ गए, ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब R1 का मैग्नीट्यूड यहाँ वेक्टर वेक्टर फॉर्म में अगर यहाँ पर दिया हुआ है इसके, अभी रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। ये जो फोर्स देख रहे हैं, यही ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, यही के है, इसी से के वैल्यू निकाली जाती है। और डायरेक्शन ये मतलब दो, मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि मतलब यहाँ पर एक आवेश है, मतलब पॉजिटिव, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पर निगेटिव आवेश है, मान लीजिए ये एफ हो Q1 है, मतलब ऐसे समझा रहे हैं यार, ये Q2 पर Q1 फोर्स लगा रहा है, मतलब मान लीजिए Q1 Q2 पर Q1, अगर मान लीजिए Q1 पर Q2 फोर्स लगाता तो इसको हम माइनस से माइनस इसमें लगा देते, इक्वल टू माइनस लगाकर हम दर्शाते हैं, तो खाली की प्रेजेंटेशन से इसलिए मेरी अच्छी राइटिंग नहीं है, इसलिए पूरी बढ़िया से नहीं बता पा रहा हूँगा। और थोड़ा सा किताब आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे वेक्टर फॉर्म क्या होता है, अगर आप वेक्टर क्लास 12 11th में पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, देखिए यहाँ पर बताया है कि अगर भाई अगर देखिए यहाँ पर ये Q1 है अरे यार यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, तो यहाँ पर इन्होंने मतलब Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया है, इसका मतलब होता है Q1 ने Q2 पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है और यहाँ से Q2 ने Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इसलिए 2 1 लिखा जाता है। और एरिया ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर तो आप जानते होंगे कि ये सिर्फ दिशा को ही दर्शाता है, मतलब वेक्टर्स उसी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर यप के नीचे 1 12 लिखा है ना, अगर आप यहाँ पर F21 करेंगे मतलब इसके निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा इसकी अपोजिट है, इसलिए माइनस लगाया जाता है और यहाँ पर भी चेंज होते हैं, तो यहाँ ये खाली मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखाता है, मतलब ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वहाँ निकल जाएगा। तो ये भी वेक्टर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो समझेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज मतलब कूलाम को किस में नापते हैं, मतलब जब फोर्स के यूनिट्स क्या हैं, फोर्स के यूनिट क्या है, कूलाम्स में हम लेते हैं मीटर, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है जो आप परमिटिविटी का, तो इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यम द्रव्यमान होता है, यम तो लंबाई होता है, टी समय होता है, ए एम्पियर के लिए यूज किया जाता है, करंट के लिए, आई आवेश के लिए होता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और स्थिरांक इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एक बार पढ़ लेंगे किताब तो समझ आएगा। हाँ हालांकि ये प्रेजेंटेशन है इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नहीं तो मैं कि वो अगर बोर्ड रहता तो समझा देता, लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम जल्द ही बोर्ड की भी व्यवस्था कर देंगे और बेहतरीन टीचर भी आ जाएंगे, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम भी बेहतरीन ला सकें। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन मतलब बहु मतलब मल्टीपल आवेश हो, मतलब अगर मल्टीपल आवेश हैं, जैसे कि हम चित्र से बता दें, देखिए यहाँ पर कई आवेश हैं, इन पर भी फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वेक्टर फॉर्म में जोड़ गया है, अगर वेक्टर फॉर्म में भी आप जोड़ सकते हैं, नहीं भी डायरेक्शन बताना भी आप जरूरी नहीं है, बस आप फोर्स थोड़ा मोड़ा वेक्टर का ज्ञान रखते होंगे तो कर सकते हैं, इसको भी आप जो जो इक्वल है बार समेशन लेकर आप आराम से सुपर पोजीशन निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला इधर है, यहाँ पर फार्मूला आप देख सकते हैं, सुपर पोजीशन अगर किसी पर माइनस आवेश है तो वहां पर यहाँ माइनस हो जाता है, मतलब इसका माइनस इधर आ जाता है, लेकिन समेशन ही किया जाता है, वो माइनस आवेश के कारण ही
कहीं घट जाता है। अगर दूरी भी सेम हो तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है और वो कांस्टेंट है। अगर सबकी दूरी समान है, हर हर आवेश का, जैसे कि यहाँ पर बताया गया सब लगभग पॉजिटिव आवेश हैं, लगभग यहाँ पर चित्र में जो बताया गया तो सबको इसी डायरेक्शन में, उसके उसकी डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, जिसका जो मैग्नीट्यूड नेट फोर्स आएगा उस सबका सम आएगा। अगर हम देखना चाहते हैं कि ग्रेविटी, आप क्लास 12th में पढ़े होंगे थे ग्रेविटी, और 12th में पढ़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब दोनों में संभावना देखा जाए तो काफी अलग है और अच्छा भी है। जैसे इलेक्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और गुरुत्वीय बल के बीच की तुलना देखिए। सो की सीधी बात, गुरुत्वीय बल द्रव्यमान पर लगता है, उस पर आवेश की कोई जरूरत नहीं है, गुरुत्वाकर्षण वो द्रव्यमान, और इसी कारण गुरुत्वीय बल बहुत कम होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत अधिक होता है। जैसे कि अभी गुरुत्वीय बल द्रव्यमान के कारण यहाँ लिखा है, कहा गया, हाँ, गुरुत्वीय बल द्रव्यमान के कारण लगता है, गुरुत्वीय बल, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश से लगता है, आवेश के कारण बल लगता है। अगर तुलना देखें तो, अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन को आपको द्रव्यमान भी पता है और आवेश भी पता है, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो मतलब, और दूरी दूरी मतलब दोनों को एक सेम दूरी ले लीजिए, मतलब डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए द्रव्यमान भी, गुरुत्वीय बल भी दो द्रव्यमान पे लगता है और आवेश भी दो द्रव्यमान पे, तो आप दोनों जगह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ले लीजिए, उनका द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल में उसका द्रव्यमान रख दीजिए और एक आर दूरी फिक्स कर दीजिए। मतलब अगर नहीं करते हैं तो मतलब दोनों को आपस में भाग कर दीजिए, गुरुत्वीय बल को और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को, मतलब आप भाग कर दीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आर दूरी को दोनों में इक्वल डिस्टेंस रहेगा तो आर आर कट जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट तो नहीं कर पाएगा लेकिन, और सब कट उठ कर आपको आंसर मिल जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू दोनों में पता है, आवेश दोनों आवेश के भी आपको पता है दोनों में, और द्रव्यमान का दोनों में, बस आर जो डिस्टेंस होता है वो आपको सेम दोनों में रखना है, मतलब आवेश दोनों के बीच का ही दूरी है, तो दोनों को बीच की दूरी काट भी सकते हैं, मतलब काट भी सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो आप पढ़ सकते हैं, मतलब निरंतर चार्ज का प्रभाव, इलेक्ट्रिक क्षेत्र प्रति एकक विद्युत आवेश, मतलब हम बात करें फील्ड के, यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जैसे कि चुंबक में भी होता है कि नॉर्थ पोल से आवेश का जो बल रेखाएं निकलती हैं और साउथ से बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, जैसे चुंबक में होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आवेश से, मतलब धन धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और नेगेटिव बल विद्युत बल रेखा अंदर की ओर जाती हैं। अगर अगर इसकी बीच की डिस्टेंस बहुत अधिक हो जाए तो ये एक दूसरे को ऐसे पैरेलल होने लगेंगी, मतलब दिखता है अगर दूरी हो जाए, और यही कारण है कि बैटरी तो वायर के अंदर एक, मान लीजिए रुकिए, ये मान लीजिए ये मान लीजिए ये ब्लैक कलर का तार है, यार यार रुकिए मैं, अरे यार,
अरे ये वायर है, ये लाल कलर में वायर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। अरे काम क्यों नहीं कर रहा यार। लोग नहीं रह सर, रुके रुके। मान लीजिए वायर रही है, वायर यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आवेश है, तो किस दिशा में जाएगा? जरूरी है इस दिशा में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों फोर्स इधर ही लगेंगे, मतलब ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर ढकेलेगा। तो मतलब ऐसे ही वायर में होता है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल और जाता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर एक सूत्र दिया हुआ है, देख सकते हैं, एफ इक्वल टू के। एफ क्या है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि वही एफ यहाँ रुके दिखा रहे हैं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ गया? अरे इधर 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 देखिए, अरे यहाँ पर साफ नहीं है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है, रुके, यहाँ पर देखिए, यही वेक्टर, इसी से क्यू से भाग करेंगे, मतलब वह क्यू आ उसी से क्यू से अगर भाग कर देंगे तो लगभग आ जाएगा, उसी से क्यू बता रहे हैं, उसी से क्यू से भाग करेंगे, मतलब जिस क्यू वह है, मतलब क्यू से भाग करेंगे दूसरे क्यू से, तो उस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वही क्यू रहता है, मतलब दूसरे वाले क्यू से भाग कर देते हैं तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वही क्यू बस रह जाता है इसके अंदर, तो हो जाता है। अगर एक किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की, किसी एक बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या वही सूत्र लगेगा जो मैंने बताया, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, मतलब दो आवेश की बीच की दूरी, बीच की जो दूरी होती है, अगर मान लीजिए उसको हम किसी केंद्र केंद्र में स्थापित कर दें, मतलब किसी विद्युत विपरीत आवेश के, मतलब एक विपरीत आवेश के एक समान आवेश है, मतलब विपरीत चार, मतलब विपरीत आवेश के, मतलब प्लस माइनस, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, और मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल दिख रहा है ना, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, और इसकी सूत्र होती है पी इक्वल टू, यहाँ दिया नहीं है शायद, देखिए पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की ओर, पी इक्वल टू होता है क्यू क्यू टू एल होता है, ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं। तो इसी के मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह बोर्ड पे है बता नहीं पा रहा हूँ, और इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर ऐसे निकाला जाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है और इसका एक आवेश ले लिया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल्स की मदद से उसको हम रोटेशन रोटेट करता है विद्युत आघूर्ण। यहाँ देखिए पी इज इक्वल टू डी, यहाँ डी इसके बीच की दूरी है, विद्युत क्षेत्र समान या हिंदी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है, इसमें कुछ है नहीं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको भी आप देख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की क्यू टूल, ये काफी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको बोर्ड पर ही बताना पड़ेगा, इसको भी
तो वीडियो को एंड करते हैं। हाँ, अगर बहुत पांच कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो मतलब उसके खातिर हमें पेन की आवश्यकता होगी, जो कि है ना, एक प्रेजेंटेशन से मैंने जितना भी बताना संभव सोचा उतना बता दिया हूँ। अब प्रेजेंटेशन से अच्छी से मतलब जितना अच्छा से नहीं बता पाया हूँ, लेकिन तब भी अच्छा था। और तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट आउट कर सकते हैं। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। एनी एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और हम और भी बेहतरीन एजुकेशन लाने में समर्थ रहेंगे, मतलब ला सकेंगे आपके लिए। तो चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा होगा। और हम इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।